On the Sabbath. So first, we have to set up our mind that the whole program, Google program, is very well set up. And if we can't set up our life, we can never set up our career. Right? So setting may be a big problem. कि सेटिंग करें तो कैसे करें, सेटअप बनाए तो क्या बनाए, प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम होती है कौन सा सेटअप बने, और अगर आपने गलत सेटअप बना दिया तो आपको बोलेंगे शराब। सो जब तक सेटअप बन रहा है आप अपने माइंड को सेट कीजिए, जब सोनू निगम साहब आएंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन ये क्लोजिंग सेरेमनी में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये म्यूजिकल है और वी हैव ए सुपर स्टार लाइक सोनू निगम, सो दिस इज नॉट ए कंसर्ट, दिस इज ए वर्कशॉप जहां पर सोनू निगम साहब कहते हैं कि एवरीबडी कैन सिंग, ओनली थिंग ही शुड हैव करेज, सिर्फ माइंड को सेटअप करना होता है। एंड आपको हर एक को गाना पड़ेगा, आप समझ लीजिए कि जितने लोग बैठे हैं हर एक को कुछ ना कुछ गाना पड़ेगा। And you all have to sing along with him, not all the time, jab hum bolenge. So, shut up. So, tell me one thing, which song you would love Sonam Nigam to sing? खामोश रहिए खामोश रहिए खामोश रहिए खामोश रहिए, पार्लियामेंट चलने दीजिए, पार्लियामेंट चलने दीजिए, खामोश रहिए, सब ठीक होगा, नहीं तो मुझे पार्लियामेंट स्थगित करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने अटैक किया है, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सा गाना चुनेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लिस्ट बना के कागज से देखें, और वो कागज जो है यहाँ पर जो भी अनपढ़ आदमी हो उसको चुरा देंगे, ताकि हम लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि आज सोनू जी जो है आपसे मोहब्बत की बातें करेंगे और ये बताएंगे कि साधना आराधना क्या होती है, वो आपको ये बताएंगे कि आपको सोनू निगम बनने के लिए क्या क्या करना होगा। नाम आपका ही होगा, ऐसा नहीं कि कल आप नाम चेंज कर रहे हो तो मेरे नाम से बनेंगे, आपके नाम से आप उस हस्ती तक उस जगह तक कहां पहुंच सकते हैं। सोनू के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे अजीज, माय डियरेस्ट डियरेस्ट ब्रदर फ्रेंड एंड सिंगर एंड टैलेंट इज सोनू निगम। मेरा प्यार उनके साथ इतना है, मुझे भी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, और नदीम श्रावण का म्यूजिक था, नदीम जी ने कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, और वो गाना जो था ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, तो वो कुछ बड़ा सिंपल सा गाना था जो नदीम जी ने नदीम भाई ने बनाया था, ये दिल दीवाना ऐसा था कुछ। ठहरिए ठहरिए, इसके पीछे बहुत कहानी है। तो मैंने कहा कि भाई ये गाना नहीं, तो फायर चाहिए, तो नदीम भाई ने कहा कि भाई ये गाना बहुत सिंपल लिखा है, ऑर्डिनरी गाना है, दिल दीवाना दीवाना दिल बहुत बार आया है, हजार बार उसको रिपीट किया गया है, सुभाष जी इसमें क्या फायर लाएंगे, इसमें तो पानी डाल देना अच्छा है। तो फिर हमारे एक कीबोर्ड प्लेयर थे तबुंदा, तो हमने उनके साथ
अरेंजमेंट किया ऑर्केस्ट्रा का सोनू निगम को बुलाने से पहले, और उन्होंने हमने कहा एक पीस होता है कि छम छम ऐसा, तो उन्होंने बजाया, तो मैं वाला देखिए नदीम भाई शरण भाई ये निकला फायर, इधर से फायर आया, इन्होंने कुछ पीस बजाया, तो नदीम भाई उसके दूसरे दिन अमेरिका चले गए कि भैया आप और श्रामन बैठ जाओ तो जो फाइल करनी है आप कर दीजिए। और हमें प्रदेश की शूटिंग में जाना था नेक्स्ट वीक, तीन दिन रह गए और हम परेशान कि नदीम भाई चले गए हैं, श्रामन जी रह गए हैं, स्टूडियो भी नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत झोपड़पट्टी के बीच में एक छोटा सा स्टूडियो था, अभी भी है, तो वहाँ हम पहुँचे, तो मैंने डिस्कस किया, मैंने श्रावण से कहा श्रावण भाई गाना तो एक ही बंदा गा सकता है, इसका नाम है सोनू निगम। तो मैंने इनको बुलाया यार, मेरे को पहले बुलाया, सो मैंने उनको बुलाया, मुझे नहीं पता था कि गाना क्या गाना है, बुलाया तो मैंने कहा सोनू देखो गाना गाना सिंपल बोला जा रहा है इसको, और उसको एक स्पेशल गाना बनाना है, और वो ये है कि जो वर्ल्ड दिल है वो इतनी जोर से दिल है कि दुनिया के माँ बाप नाना नानी सारे हिल जाएं, ये दिल ये देखने लगे मुझे कि नाटक के लिए बुलाया या गाने के लिए बुलाया। तो फिर मैंने शाम में गाना सुनाया, उनको समझ आ गया, डायरेक्टर की तरफ देखा, सोनू निगम एक बहुत समझदार सिंगर है, आपको कि इनका जो ज्ञान और नॉलेज जो है खाली संगीत और गीत के बारे में नहीं है, इनको बंदों के बारे में बहुत नॉलेज है, और वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सबकी, और बंदे को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, बंदा कैसे भी कुछ कह रहा हो जो कि उसका मतलब समझ जाते हैं, तो इन्होंने मतलब पकड़ा। तो मैंने कहा कि नदीम श्रावण के कान में बात की, जाकर बोले तो श्रावण ने इनके कान में जाकर बोला सुभाष जी, उसने तो मेरी तरफ देखा, मैंने जी क्या बोला, कहते सुभाष जी बोल रहे हैं कि ऐसा गाओ गले में खून आ जाए, एंड ट्रस्ट मी ही स्टार्टेड सिंगिंग, एंड व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग ए न्यू मैजिक वाज क्रिएटेड। और जब करते 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 उस टाइम पे गाना बाई पार्ट्स नहीं होता था, एक पूरा गाना 5 मिनट के लिए गाना पड़ता था एक सिंगर को, और जब वो एंड क्लाइमेक्स में पहुंचे दिल दीवाना, तो ट्रस्ट मी तब तक इनका माइंड वाजा बच चुका था, लेकिन समझदार इतने थे कि इन्होंने कहा कि एक काम करो सुभाष जी, ये मैं बाद में गाऊंगा जो बोला है, आप पहले मेरे से जो आलाप वलाप हैं इधर उधर के जो हैं वो गवा दीजिए पहले, हमारे इन्होंने पहले अलग गाली, और उसके बाद इन्होंने जो गाया और पिछले दरवाजे से भाग गए, मुझे नहीं मिले उसके बाद, और वो गाना इतना बड़ा हिस्ट्री बन जाएगा ये हम दोनों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन कहने का पहला था कि जब तक आपका खून ना निकले तो बात तो नहीं बनती, और खून निकालना वाले समझ नहीं आता। सुना है, और हम सोनू निगम जी का वो रूप देखना चाहते हैं जिसमें निगम ज्यादा हो सोनू कम हो। तो मैं इस तरफ मुंह कर लेता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, इट्स सच एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ योर फैकल्टी। आई फर्स्ट ऑफ ऑल दोज ऑफ यू हु नो मी प्रोबेबली स्लाइटली बेटर देन मोस्ट ऑफ देम, वो मुझे जानते होंगे किसी सिंगर के रूप में या मेरी और जो चीजें हैं सोच। अ लॉट ऑफ पीपल वुड जस्ट नो मी एज अ सिंगर, और उसके बाद में
मेरे पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते होंगे जो सुभाष जी ने देखा हुआ है. और को मैं पहले तो बताऊं क्योंकि मैं वेस्टर्न गुड्स में आया हुआ हूँ. I have to first confess that I am a very, very, very big admirer of Mr. Subhash Ghai, not just because he loves me, because I have been his fan from the time I didn't even know that I was ever sing for him. Or, मैं इनकी पिक्चरों से, इनकी फिल्मों से, इनके स्टाइल से इतना हमेशा मुतासिर रहा हूँ. जब मुझे ये सौभाग्य मिला 1996 में और 97 में फिल्म आई थी, उसी समय परदेश के लिए मैंने इनके लिए गाना गाया. द वे ही यू ऑल नो बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ हिज लिसनिंग वर्ड्स हाउ लविंग ही इज. जब मैं छोटा था, जब मुझे हिम्मत की ज़रूरत थी, व्हेन आई नीडेड कॉन्फिडेंस, ही वाज सो काइंड टू मी. ही वाज नॉट द जनरल बुली दैट बॉलीवुड मेक्स यू आफ्टर अचीविंग सक्सेस. ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग बुली बन जाते हैं सक्सेस के बाद में, और वो उनको मज़ा आता है नए लोगों को तंग करने में, उनको छोटा दिखाने में, उनको डराने में, उनको धमकाने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट में डालने में कि तू 6 साल तक मेरे साथ में रहेगा या रहेगी, तू कहीं बाहर नहीं जा पाएगी, कहीं भी बाहर नहीं जा पाएगा. ऐसा अब ये इंडस्ट्री का नियम है. लॉट ऑफ पीपल मोस्टली एंड नाउ इज गेटिंग इवन मोर यू नो ड्रेडफुल हो रहा है सब चीज़ें. बट ही वॉज रियली काइंड टू मी, वेरी नाइस टू मी. Of course, he understood that I like him, so he understood the fact that I'm not just, you know, a normal singer. I'm his fan too. So, hamari thinking achhi, hamari match kari. I like his vibe. He understood that I'm also kind of a fun person. Maybe itna koi waisa nahi hogi. You know, cliche singer aaya hai, sar 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 karta hua. Bhagwan ki kripa hai. Bas main to kuch nahi hoon aur kuch nahi hoon. Bas sir, aapka aashirwad chahiye. टिपिकल सिंगर्स ऐसे होते थे. मैं आया था थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट होकर, पढ़ा लिखा बच्चा था इसलिए, और दिल्ली से आया था तो दिल्ली बहुत देर से निकलती है बॉडी से. इंसान की फितरत से दिल्ली बहुत तेज निकलती है, मतलब इंसान दिल्ली से बाहर निकलता है पर दिल्ली बहुत लेट निकलती है. थैंकफुली मेरी निकल गई दिल्ली, बहुत इवेंचुअली दिल्ली निकल गई मेरे अंदर से. तो मैं जब आया था दिल्ली से तो मैं वैसे मोजड़ीज पहन के, लाल शर्ट या कुछ और पैंट पहन के, बलते बलते कपड़े पहनते थे. तब उससे भी यही फैशन था, तब शाहरुख खान भी ऑरेंज कपड़े पहनते थे. तो इट्स जस्ट वो टाइम है. एवरी टाइम हैज इट्स ओन, एवरी पीरियड हैज इट्स ओन फैशन. सो दिस इंडस्ट्री टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई केम टू बॉम्बे विद प्रोबेबली ड्रीम्स मच मोर इंटेंस देन ऑल ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर, बिकॉज आई वाज अ वेरी हंग्री किड. आई केम वेरी हंग्री फ्रॉम दिल्ली. वी वांटेड टू बिकम समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. माय फैमिली, माय फादर एंड मदर वंडरफुल सिंगर्स, बहुत अच्छे थे. तो हम लोग जब बॉम्बे आए तो बहुत, मैं और पापा आए थे, आई वॉज रियली रियली हंग्री. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी अर्ली इन माई एज. और मैं बचपन से गा रहा हूँ और मैंने फिल्मों में भी काम किया है. आई बीन वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 4, सो फ्रॉम 77 आई बीन सिंगिंग ऑन स्टेज. सो दिस इज माई 38th ईयर ऑफ बीइंग प्रोफेशनली एंगेज्ड इन लाइफ. पिछले 38 ईयर से पैसा कमा रहा हूँ. So it's a nice feeling. और मैं क्या कहूँ आपको, अगर आप ही को कुछ समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लेना. बाकी अगर आपको मेरी, इफ यू वांट मी टू गिव यू माय जीवनी और व्हाट आई थिंक, देन आई कैन गो अहेड. इफ यू वांट मी टू, नहीं हमें आपकी जीवनी सुननी है और वो चीजें सुननी है जो कि क्राइसिस में आप गए और उनको जीता, इंस्पिरेशनल मोमेंट्स हमारे लिए, बच्चों के लिए.